तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। बड़ी जानकारी, सीएम योगी की रैलियों के लिए यूपी से जाएंगे आईपीएस अधिकारी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, रैली की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए ये अधिकारी जाएंगे। यूपी से डीआईजी रैंक के 3 अफसरों को हिमाचल भेजा गया। 3 नवंबर को परवाड़ू में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। सीएम की रैली में सुरक्षा व्यवस्था को देखने का भी ये काम करेंगे। लखनऊ से डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी सुभाष दुबे हिमाचल गए हैं और लखनऊ से एन कुलांची को भी भेजा गया है। आपको बता दें कि हिमाचल 8 नवंबर को होने वाली रैली में ये दूसरे अफसर को यहां भेजा जाएगा। वही जानकारी लेके इस वक्त आपको दे रहे हैं, हिमाचल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारी की जा रही है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और वहां प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। रैली की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए भी अधिकारी यहां से जाएंगे। यूपी से डीआईजी रैंक के 3 अफसर को भेजा गया है हिमाचल। 3 नवंबर को परवाड़ू में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी और इसको लेकर ये व्यवस्था संभालेंगे। तो बड़ी जानकारी देखिए, तो लखनऊ से आपको बता दें कि अफसरों को भेजा जाएगा। तो देवेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। देवेंद्र, हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा होने वाला है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और इसके साथ ही डीआईजी रैंक के 3 अफसर भी वहां भेजा गया है, इसके बारे में भी। जी बिल्कुल, बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सीएम का जो दौरा होने वाला है चुनाव में काफी खास माना जा रहा है, तो वही इसको लेकर सीएम ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी वहां पे उनकी जी, क्या आपका आवाज आ रही है देवेंद्र? चलिए देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारी अभी की जा रही है। और इस बीच हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है और ऐसे में प्रचार प्रसार करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आपको बता दें डीआईजी रैंक के 3 अफसरों को हिमाचल भेजा गया है। 2 नवंबर को परवाणू में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने जा रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे, लखनऊ से वसीम रिजवी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें सीबीआई की विशेष कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, धोखाधड़ी कर वफ संपत्ति हड़पने समेत कई मामले इसमें हैं। और आपको बता दें कि इन मामलों की जो सुनवाई है उसकी तारीख 19 नवंबर तय की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, वसीम रिजवी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल गई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट में चार्जशीट ये दाखिल की गई है। वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, धोखाधड़ी कर वफ संपत्ति हड़पने का ये पूरा मामला है। और अब इस पूरे मामले में 19 नवंबर की तारीख तय की गई है, यानी 19 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी, वसीम रिजवी के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। धोखाधड़ी कई पूरा मुकदमा है, 19 नवंबर वो तारीख जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, तो चार्जशीट दाखिल की गई है सीबीआई की विशेष कोर्ट में, ये चार्जशीट दाखिल की गई है। तो लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कुछ देर पहले लोक निर्माण विभाग मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने विभाग अध्यक्ष को लापरवाही का दोषी मानते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा है कि योगी सरकार की प्राथमिकता लोक कल्याण है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जितेंद्र प्रसाद ने कार्य में लापरवाही के चलते बाराबंकी जिला के 2 इंजीनियरों को सस्पेंड करने की कार्रवाई भी की है और 6 को नोटिस भेजा भी गया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार का नया ये मामला सामने आया है। विभाग के पास मशीन होते हुए भी किराए पर काम
किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के कमीशन के चलते ये खेल खेला जा रहा है। हॉट मिक्स मशीन होने के बावजूद उससे काम नहीं किया जा रहा। ठेकेदारों को फायदा देने के लिए किराए पर मशीन ली जा रही है। तो वहीं कल पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद महोबा पहुंचेंगे और छोटी चंद्रिका बड़ी चंद्रिका मार्ग का उद्घाटन भी वो करेंगे। गौरतलब है कि उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है ये, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक दिन के भीतर ही सड़क को दुरुस्त कराने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि सड़क का निर्माण 3 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। तो तस्वीरें आपको महोबा की, कल पहुँचेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, जिसको लेकर अब तैयारी भी की जा रही है। तो हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, जो कि गाय को समर्पित है। इस दिन गौ माता का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस बीच प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल लक्ष्मण गौशाला पहुंचे, जहां निकट इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, इसके साथ ही जानकीपुरम लखनऊ में गोपाष्टमी पूजन अनुष्ठान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और गौ पूजा की। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा होती है, गाय को समर्पित होता है ये पूरा त्यौहार। और इस बीच मंत्री कपिल देव वहां पहुंचे। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की सुरक्षा चूक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए और कार चालक के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि मंत्री के ड्राइवर की तहरीर पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को 2 बजे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर से सुल्तानपुर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही मंत्री का काफिला बस्ती मड़वा नगर टोल प्लाजा पर पहुंचा, तो अचानक मंत्री का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए एक गाड़ी मंत्री के काफिले के बीच आ गई, जिसकी वजह से मंत्री की गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। आपको बता दें कि ड्राइवर और टोल कर्मियों की सतर्कता की वजह से मंत्री की गाड़ी टोल बैरियर से टकराने से बाल बाल बच गई। मंत्री ने इसकी सूचना बस्ती SP को देकर जांच के आदेश भी दिए हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और टोल प्लाजा का CCTV फुटेज भी खंगाला गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इकतीस अक्टूबर को माननीय मंत्री संजय निषाद जी की गाड़ियों का काफिला जब थाना कोतवाली के टोल से होकर निकल रहा था, उसी बीच में एक SUV चालक के द्वारा अनियंत्रित रूप से गाड़ी चलाते हुए उनके काफिले के बीच में आ गया। उसकी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना थी, लेकिन माननीय मंत्री जी के चालक के द्वारा स्थिति को संभाल लिया गया। इस संबंध में माननीय मंत्री जी के गनर के द्वारा एक मुकदमा थाना कोतवाली में पंजीकृत कराया गया है, जिसमें SUV चालक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र उसमें विधिक कार्रवाई होगी। इस पूरे प्रकरण में काफिले में किसी प्रकार की समस्या नहीं आई, काफिला अल्टीमेटली अपने गंतव्य पर चला गया। इस पर कड़ी कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा। तो वहीं नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी फील्ड पर उतर गए हैं। इसी के चलते उन्होंने मतदान स्थलों का औचक निरीक्षण भी किया है। औचक निरीक्षकों के क्रम में आपको बता दें कि जिलाधिकारी सबसे पहले चिल्ड्रन पैलेस के मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 3 BLO मतदान स्थल पर अनुपस्थिति पाए जाने पर आपको बता दें कि उनको सस्पेंड करते हुए लोक
प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है। जनरल स्टोर की दुकान में भीषण आग लग गई है, आग ने दो अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि आग लगने से दुकान में कई धमाके हुए हैं, इलाके में आग से हड़कंप भी मचा। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मऊजूद है। आपको बता दें कि छिबड़ा मऊ कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और अब वो तस्वीर भी देखिए, कन्नौज की ये तस्वीर जहां कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। आग लगने से दुकान में धमाके भी हुए और अफरातफरी का माहौल इस दौरान देखने को मिला। हालांकि आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य जारी रहा। आग बुझाने में हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाया गया, लेकिन कन्नौज की सीधी तस्वीर, आग लगने से कई सामान जलकर खाक भी हो गया है, इलाके में आग से हड़कंप भी मच गया। तो वहीं एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने प्रतापगढ़ जिले की पट्टी कोतवाली का निरीक्षण किया है। इस दौरान उनको पट्टी कोतवाली में पुलिस द्वारा सलामी भी दी गई। बता दें कि प्रेम प्रकाश सीधे महिला हेल्प डेस्क के अंदर घुसे और वहां पर तैनात महिला सिपाही कीर्ति शुक्ला से जरूरी पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने पट्टी कोतवाली परिसर का भ्रमण करना भी शुरू कर दिया। इस भ्रमण के दौरान एक ट्रक के पीछे रिजर्व लटका उनको नजर आया, जिसके बाद उन्होंने निर्देश दिया है कि एक अंडरग्राउंड बॉक्स बनाया जाए जहां पर उसे सुरक्षित रखा जाए। इसी दौरान उन्होंने पट्टी कोतवाली परिसर में जमा वाहनों एवं लवारिस वाहनों की तस्दीक भी और साथ ही साथ नीलामी को लेकर पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने सीसीटीएनएस कार्यालय का निरीक्षण भी किया और कोतवाली कार्यालय का उन्होंने निरीक्षण भी किया। इसी दौरान सिपाहियों के साथ कस्बे में 1.5 किलोमीटर पैदल मार्च भी किया। आज पट्टी कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इससे पहले मैं देलूपुर गया था, नया थाना है जी। पट्टी में पहले कई इस रोड पर भी घटनाएं होती जिस पर फुट पेट्रोलिंग की गई जी। एक व्यक्ति के साथ लूट पाट हुई थी, वो केस बाद में वर्कआउट भी नहीं हुआ था जी। तो ये सेंसिटिव क्षेत्र है, तो आज यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग की गई। हमारे SP प्रतापगढ़, एडिशनल SP प्रतापगढ़, CO पट्टी और सभी अधिकारी यहाँ पर हैं। आने पर मालों के निस्तारण के संबंध में निर्देशित किया गया था और साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक कर दी जाए। साथ ही अभी इसके बाद में हम दिलीपुर थाने का भी निरीक्षण करेंगे। अभी एक गांव में हमने भ्रमण रखा है और यहां विजिट करने के बाद फिर हम वापस जाएंगे। तो फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के गड़ीवा मोहल्ले में छठी बरोहा कार्यक्रम के दौरान भीषण हादसा भी हो गया है। कार्यक्रम में पूरा परिवार उत्सव मना रहा था कि अचानक गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में 13 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बना रहा। चीख पुकार के बीच घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी हमारे ट्रोमा सेंटर के चीफ फार्मासी योगेंद्र जी बताए कि सर बर्न केस अचानक यहाँ पे 14-15 लोग आए हैं। हमको सूचना मिली तो मैं यहाँ पे आके मौका मुआयना किया हूँ। यहाँ पे 7 महिलाएं आई हैं, 4 पुरुष आए हैं। बच्चे में जो बच्चे आए हैं, जिसमें एक महिला, एक फीमेल चाइल्ड है, एक मेल चाइल्ड है। सभी फर्स्ट एड दे दिया गया है, सभी मरीज सही हैं। एक महिला है जिसका 50% से एबव बर्न है, उनको हम लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किए।
तो कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली के अहमदगंज में ऑटो और बाइक की टक्कर हो गई है, जिसमें दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाइक सवार तीन लोग पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। चौकी इंचार्ज अलीपुर जीता राकेश कुमार अपने साथियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ललितपुर में पत्थर व्यवसायी के मुनीम पर जानलेवा हमला हुआ है और गोली मारकर 4,77,000 रुपए की लूट की गई है। आपको बता दें कि मुनीम बानपुर थाना क्षेत्र में बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहा था। घायल को जिला चिकित्सालय ललितपुर भर्ती कराया गया। लूट के मामले में डीआईजी झांसी जोगिंदर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली, जिसके बाद घटना के खुलासे के लिए कई टीम भी गठित की गई है। जिले के बानपुर थाना क्षेत्र के पूरा धनकुआं की पूरी घटना है। वहीं झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में घर से अवैध कच्ची शराब बेची जा रही थी। अवैध कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद है कि दो दो चौकियों के पास होने के बावजूद भी इलाके में धड़ल्ले से शराब बिक्री की जा रही है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से लोग घर से शराब खरीद रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई हालांकि नहीं की गई है। तो पुलिस स्मृति दिवस और पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक श्रावस्ती पुलिस ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने पुलिस लाइन और थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैंप कर रही 37वीं वाहिनी PAC और जिला पुलिस के बीच सद्भावना मैच भी कराया गया, जिसमें जिला पुलिस टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए विजयी रही। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया और उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। पुलिस लाइन ग्राउंड में भव्य शास्त्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। पुलिस अधीक्षक ने मैराथन दौड़ का भी आयोजन कराया। इस मैराथन दौड़ में पुलिस लाइन में निवास कर रहे करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। तो पीलीभीत के जहानाबाद में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि मोहल्ला बाजार में 45 वर्षीय महिला की डेंगू से मौत भी हो गई है। वहीं नौगवा पकड़िया में प्रकोप ऐसा चल रहा है जिसके कारण 9 लोगों की मौत की खबर भी है। जहानाबाद में डेंगू से महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। विभाग ने मृतका के घर पर पहुंचकर संबंधित जानकारी भी जुटाई है। इसके अलावा उन्होंने रिहायशी इलाके में अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश भी दिए। साथ ही आपको बता दें कि लोगों को डेंगू से बचने के उपाय भी यहां बताए जा रहे हैं और उनको सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। पर अभी जो है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमलेश गंगवार जी के द्वारा टीम को भेज करके यहाँ के आसपास के लोगों की और इनके परिवार के लोगों की सबकी जांच के लिए कहा गया है। यदि किसी भी परिवार के व्यक्ति को बुखार की समस्या है तो यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। अभी करीब 35 से 40 लोगों की जाँच हो चुकी है। बाकी लोग भी जो लोग जिनको दिक्कत है वो अपनी जाँच करा सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो बगल में ही यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहानाबाद, वहाँ जा करके अपनी जाँच करा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सभी पब्लिक को जागरूक किया गया है कि सभी लोग जो है पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और घर के आसपास में कहीं गंदगी इकट्ठी ना होने दें। तो लखनऊ के थाना शहादतगंज के अंबरगंज चौकी क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। पुलिस इन चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि चोरों ने एक बंद घर को अपना निशाना बनाया और लगभग 4,00,000 रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गया। बता दें कि पूरा परिवार एक शादी समारोह में गया हुआ था। चोरों ने घर में ताला लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस इलाके में लगातार गश्त करती है, फिर भी चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है।
मेरे यहाँ चोरी हुई है भैया, मेरा 30 तारीख की रिश्तेदारी में गया हुआ था ससुराल, यहाँ जो जेवर पैसा सब चला गया, चोरी हुई है यहाँ जेवर, यहाँ था पूरा सब मतलब मुँह दिखाएगा, अंगूठी नाक के किले सब मिला के 15 तोला था। तो वही कानपुर में अकबरपुर से रानिया की ओर जा रहे बाइक सवार से दंपति से लुटेरों ने लूटपाट की है। लुटेरों ने दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया और महिला से सोने के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। झांसी नेशनल हाईवे रूट पर घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। कानपुर में 12वीं कक्षा के छात्र की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कल दोपहर स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्र घर नहीं पहुंचा था। इसी दौरान परिजनों ने तत्काल प्रभाव से पुलिस को मामले की सूचना दी थी, जिसके बाद चकेरी थाना क्षेत्र के चंदारी स्टेशन के पास झाड़ियों में छात्र का शव मिला। वही घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर फॉरेंसिक समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बांदा के बबेरू के फुदूदी गांव में बीते 15 दिनों से एक महिला अशोक लाट में अनशन पर है। आपको बता दें कि पुलिस उसकी एक भी नहीं सुन रही है। महिला का ये कहना है कि उसके घर में 3 अगस्त को करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात चोरी हो गए थे। महिला की बेटी के साथ मारपीट भी की गई। महिला का यह आरोप है कि पुलिस ने अभी तक चोरी के मामले का खुलासा नहीं किया है और ना ही आरोपी चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।